हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 11 प्लस 50 जिसका सम आपके इक्वल दिया गया है 61 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 12 प्लस 60 जिसका सम आपके इक्वल दिया गया है 144 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 30 प्लस 70 जिसका सम आपके इक्वल दिया गया है 249 के इक्वल दिया गया है। और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 14 प्लस 80 किस चीज के इक्वल होगा, ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूँ। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 11 प्लस 50 जिसका सम आपका इक्वल होता है 61 के इक्वल होता है, और आपको यहाँ पे भी इक्वल दिया गया है 61 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 12 प्लस 60 जिसका सम आपका इक्वल होगा 72 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 144 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 13 प्लस 70 जिसका सम आपका इक्वल होगा 83 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 249 के इक्वल दिया गया है। और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 14 प्लस 80 जिसका सम आपका इक्वल होगा 94 के इक्वल होगा, और आपको यहीं पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह यहाँ पे आपका कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंपली आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है इन दोनों नंबर का लेना है आपको यहाँ पे सम, यानी कि आपको सम लेना है 11 प्लस 50 का सम लेना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 61 के इक्वल होगा, और 61 मल्टीप्लाई करना है आपको फर्स्ट नेचुरल नंबर जो कि आपका रहेगा 1, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 61 मल्टीप्लाई 1 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 61 के इक्वल होगा, वो 61 आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम लेना है, यानी कि आपको सम लेना है 12 प्लस 60 का सम लेना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 72 के इक्वल होगा, 72 मल्टीप्लाई करना है आपको नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो कि आपका रहेगा 2, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 72 मल्टीप्लाई 2 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 144 के इक्वल होगा, और 144 आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको लेना है इन दोनों नंबर का सम, यानी कि आपको सम लेना है 13 प्लस 17 का सम लेना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 83 के इक्वल होगा, और 83 मल्टीप्लाई करना है आपको नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो कि आपका रहेगा 3, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 83 मल्टीप्लाई 3 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 249 के इक्वल होगा, और 249 आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह सेम फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सम लेना है इन दोनों नंबर का सम लेना है, यानी कि आपको सम लेना है 14 प्लस 80 का सम लेना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 94 के इक्वल होगा, और 94 मल्टीप्लाई करना है आपको नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो कि आपका रहेगा 4, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 94 मल्टीप्लाई 4 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 376 के इक्वल होगा, यानी कि जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहां पे आपका 376 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इंफॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।